हाँ जी, तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 ऑर्डिनल अप्रोच इन डिफरेंस कर्व को अच्छे से आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप अपने सामने चैप्टर का नाम देख भी रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है इन डिफरेंस कर्व। तो सवाल ये है कि इन डिफरेंस कर्व उसकी उसका पावर कहाँ है? ये ठीक है। हेलो हेलो, ऑडिबल है? ठीक है जी, कंटिन्यू करें, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 ऑर्डिनल अप्रोच इन डिफरेंस कर्व, जैसा कि आप अपने सामने अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है। तो आइए, मैंने यहाँ पर मार्क किया है सबसे पहले इंडिफरेंस का। तो देखिए, दो वर्ड होता है, एक तो होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग होना, और इंडिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का अपोजिट वर्ड है ये, एक जैसा होना, समान होना। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि एक ऐसा कर्व जो कि एक समान होगा। अब आपका सवाल एक और आ गया आपके माइंड में, सर आप किस चीज के एक समान होने की बात कर रहे हैं? तो यहां पर हम सेटिस्फेक्शन लेवल के एक समान होने की बात कर रहे हैं, संतुष्टि के स्तर का। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनादिमान वक्र। तो संतुष्टि का स्तर एक समान होने की बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल के एक जैसे होने की बात हो रही है। अब देखिएगा, इसको डिटेल में समझने के लिए एक टेबल के, एक हम इमेजिनरी टेबल ले रहे हैं, उससे हम पहले डिटेल में इसको हम समझेंगे। दो एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, पहले एक गेम, हम आज एक गेम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। एक गेम को आप समझिए, ऐसी कंडीशन को समझिए, उसमें आप पहले पार्टिसिपेट हो जाइए, आपको हर एक सवाल का आपको जवाब आपको मिल जाएगा। तीन चार क्वेश्चन अच्छे से कवर होंगे, जिसको मैं वन वन कर वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल इंट्रोडक्शन है आज, तो आप पहले इस गेम को अच्छे से समझेंगे। गेम यह है कि मान लीजिए, आप जब बात है सेटिस्फेक्शन लेवल के एक जैसे होने की, तो ऑब्वियसली आप किसी कम्युनिटी का कंजम्पशन करेंगे। तो यहां पर मान लें कि आप दो कम्युनिटी का कंजम्पशन करेंगे, क्लियर है? मतलब कि आप किसी सिंगल कम्युनिटी का कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हो, दो गुड्स का आप उपभोग कर रहे हो, आप संयोग का उपभोग कर रहे हो। तो दो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो एक तो अगर तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और दो गुड्स कौन कौन से हैं, आप उसको एक्स और वाई लेट कर सकते हैं। गुड्स एक्स, एक चलिए एक मान लेते हैं हम, क्या है गुड्स एक्स, अगर सिंगल गुड, गुड हो गया एक एक्स, जिसको आप यहां पर कह लीजिए कि एप्पल है, ठीक है, और एक गुड्स है आपका वाई। तो दो तरीके के गुड्स का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। वाई का मतलब मैं यहां पे कह देता हूं बनाना, ठीक है जी। अब
आपको एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन यहां पर सबसे पहले मैं ए ले रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास में यहां पर एप्पल एक है और बनाना आपके पास में 15 है। ठीक है, अब ध्यान से पहले समझिएगा, इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व में हम बात कर रहे हैं किस चीज के इंडिफरेंस होने की, सेटिस्फेक्शन के इंडिफरेंस होने की। इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, एक जैसा रहना, समान रहना, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा रहेगा, समान रहेगा। और सेटिस्फेक्शन लेवल समान कब होगा, जब आप किसी का कंजम्पशन करेंगे। तो यहाँ पर जब बात सेटिस्फेक्शन की आ चुकी है तो बात कंजम्पशन की भी होगी, और कंजम्पशन में मैंने आपको कंडीशन डाल दिया है कि आप दो कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, आप उसको एक्स और वाई कंसिडर कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर एक को एप्पल एक को बनाना मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है। एक बात को पहले आप यहाँ पर पहले हम उसी बात को दोबारा से रिपीट करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आप देखें, अगर अपने घर में अलग अलग गुड्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। कोई चीज आपके घर में ऐसी रखी है जो बहुत एक्सपेंसिव है, और कोई चीज ऐसी रखी है जो काफी सस्ती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये किन चीजों से डिसाइड होता है कि इसकी ये एक्सपेंसिव होगी और ये सस्ती होगी, ये डिसाइड किन फैक्टर से होता है, कैसे डिसाइड होता है। अगर आप कहोगे सर ये यूजफुल पे डिपेंड करता है, जो चीज ज्यादा यूजफुल है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, जो चीज कम हमारे यूजफुल में रहती है वो हमारे लिए सस्ती होती है। अगर आपका ऐसा कहना है तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग दुनिया की जो सबसे महंगी चीज है वो पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत यूजफुल है। अगर आप मार्जिन यूटिलिटी के भाव पर अगर आप सोच रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के अगर अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं, तो पानी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होनी चाहिए, और दुनिया की सबसे सस्ती चीज आपका डायमंड होना चाहिए, क्योंकि डायमंड का कोई खास यूज तो है नहीं, ना तो खाने में, ना तो पहने में, ना तो ओढ़ने में। पहनने में तो बस वो भी शो ऑफ के लिए, वो ना भी पहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन डायमंड इतना कम यूज में होने के बाद भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वाटर इतना ज्यादा यूजफुल होने के बाद भी इतना सस्ता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये यूजफुल पे डिपेंड नहीं होता है कि कौन सी चीज की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करता है कौन सी चीज कितनी अवेलेबल है। जो चीज ज्यादा अवेलेबल होगी वो सस्ती होगी, और जो चीज कम अवेलेबल होगी वो महंगी होगी। वाटर ज्यादा अवेलेबल है कंपेटिवली डायमंड, इसलिए वाटर सस्ता है, और डायमंड रेयर है इसलिए डायमंड महंगा है। तो अब आज से आपकी नजर में किन चीजों की ज्यादा कीमत होगी, वो जो कि रेयर है, क्लियर है, और कौन सी चीज सस्ती होगी जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और जो अनलिमिटेड है आपके पास में, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपके पास में हमेशा अवेलेबल है, वो आपके लिए फ्री होगी। जैसे हवा बहुत जरूरी है हमारे लिए हवा, लेकिन वो अनलिमिटेड है इसलिए वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया, समझे। तो अब आप किसी चीज के इंपॉर्टेंस किस चीज पर देंगे, उसकी क्वालिटी को देखते हुए उसकी इंपॉर्टेंस देंगे, या फिर वो कितना अवेलेबल है उस चीज पर देंगे, कितना अवेलेबल है। जो चीज ज्यादा अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगी, उसके वैल्यू क्या रहेगी, कम, जो ज्यादा अवेलेबल है, और जो चीज कम अवेलेबल है उसके उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, ज्यादा। मेरी बात समझे, क्लियर है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको दो कमोडिटी का कंजम्पशन करना है, और कॉम्बिनेशन ए में मैंने आपके हाथ में एक तो एप्पल की कितनी क्वांटिटी दी, एक आप पे एक एप्पल है, और बनाना कितने आपके पास में, 15 बनाना है। तो यहां पर आपके पास में ज्यादा अवेलेबल क्या है और कम अवेलेबल क्या है, क्या दोनों आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, क्या दोनों की आपके बराबर महत्व है आपके लिए दोनों की। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है आपके लिए, क्यों एप्पल क्यों है, क्योंकि वो कम अवेलेबल है, वो रेयर है यहां पर। और कम इंपॉर्टेंस किसकी दोगे आप, बनाना को। क्यों बनाना को कम इंपॉर्टेंस क्यों दोगे आप, क्योंकि बनाना ज्यादा अवेलेबल है। तो एक बात तो, अगर मैं दो कमोडिटी ले रहा हूं एप्पल एंड बनाना, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो है एप्पल आपके लिए जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल देगा, क्योंकि आपने उसको कम कंजम्पशन कर रखा है या आपके पास में वो कम अवेलेबल है, बट बनाना जो है वो आपको जो है कम सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में आइसक्रीम की फैक्ट्री है, अमूल कंपनी आपकी ही है, ठीक है, तो आप बताइए आपके लिए आइसक्रीम की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, बहुत कम इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी, आप आइसक्रीम को देखना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इवन मैं आपको ये कहूंगा कि मान लो कि कोई अगर आपको ऑफर कर दे एक एप्पल, तो शायद आप उसको अपनी फैक्ट्री से 4-5 आइसक्रीम निकाल के दे दोगे, लो भैया ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है नुकसान कर रहे हैं अपना, ये मतलब नहीं है,
इसका मतलब ये कि एक आइसक्रीम से मान लो एक एप्पल जो आपके एप्पल आपके पास में नहीं है, आपके पास में एप्पल का कोई बगीचा नहीं है रेयर आपके लिए, तो एप्पल तो एक एप्पल जो आपको 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेवल देती, तो जाहिर सी बात है आइसक्रीम तो उतना नहीं देती एक आइसक्रीम, क्योंकि वो तो आपके पास अवेलेबल है, वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा था। तो अगर आपने 5 आइसक्रीम दे भी दिया अगले को, तो 50 दिया और बटे एक एप्पल 50 है, तो फिर इसका मतलब यह है कि जितना आपकी तरफ से जा रहा है उतना आपके पास में आ भी रहा है, उतना आपके पास में आ भी रहा है। तो बताइए इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ क्या? इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहां पर मैं कुल मिलाकर ये बात कहना चाहता हूं कि दो कमोडिटी मैंने लिए तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस कंज्यूमर के लिए नहीं होगी, एप्पल की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी और बनाना की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो उससे मिलेगी कम मिलेगी। अब आप कह रहे थे सर आपने कहा था स्टार्टिंग में कि गेम से समझेंगे, गेम क्या है? तो आइए गेम समझते हैं, मैं आपको गेम बता रहा हूं, पहले रूल समझ लीजिएगा फिर खेलेंगे इस गेम को। रूल क्या है? दो कमोडिटी कंजम्पशन करना ही करना है, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है? जैसे दिल करे वैसे कंजम्पशन करो, बट जैसे आप कॉम्बिनेशन को चेंज करते हो, मतलब एप्पल बनाने की क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज करना चाहो करो, बट आपके टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे? क्लियर है? तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपका सेम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए, समझाने के प्रस्पेक्टिव से मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में एक एप्पल है और आपके पास में 15 बनाना है, तो इसका आप कंजम्पशन करेंगे तो आपको कुछ एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा नहीं मिलेगा? एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। मैं मान लेता हूं 500 यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल रहा है, समझाने के लिए बात कर रहा हूं अभी मैं। जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपको कितना मिल रहा है? 500 यूटिल्स का मिल रहा है, ठीक है ना? अब आप कॉम्बिनेशन में चेंज करना चाह रहे हैं और आपकी इच्छा क्या है कि आप एप्पल को बढ़ाएं, तो आप एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एप्पल एक से आप दो कर रहे हैं। अब आपने एप्पल बढ़ाया तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है तो अगर एक चीज अगर आप गेन करोगे और आप चाहते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल ना तो बढ़े ना घटे, सेम रखना चाहते हैं, तो अगर आप एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो आपको दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो ज्यादा कम्युनिटी कंजम्पशन से टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ता है। तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए एक काम तो आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ ही गया है, क्या? कि अगर हम एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम करेंगे, तभी तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। अगर मैं कम नहीं करता हूं तो बताइए पहले से ज्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो भैया मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से ज्यादा हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है तो अगर मैं एक का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं तो दूसरे का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम। तो क्या मैं यहां पर 14 कर रहा हूं? अब बताइए क्या अभी भी मुझे 500 यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा? क्या मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल में अब कोई चेंज आएगा या वही रहेगा, क्योंकि मैंने एक गेन करा तो एक मैंने सेक्रीफाइस भी कर दिया है? क्या मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा? ये मेरा सवाल है आपसे, मैं कह नहीं रहा हूं कि 500 हो जाएगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ सेम रहेगा? अगर हां तो क्यों और नहीं तो क्यों? देखिएगा बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसने एक एप्पल को जो उसने गेन किया है, एक एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, आप समझिए इस बात को, देखिए जरा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वन एप्पल ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वन बनाना। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि जो एक सेब से आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, जो संतुष्टि मिलेगा, एक बनाना के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप एक बार बताओ, आपके पॉकेट में एक जेब में 500 रुपए आए, आपके पास में 500 रुपए हैं, मैंने एक जेब में आपको 100 रुपए डाले, दूसरी जेब से 10 रुपए निकाले, तो पॉकेट में उतना ही पैसा रहेगा 500 या पहले से ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझे नहीं समझे? आपके दोनों पॉकेट में 100 रुपए है, सॉरी दोनों पॉकेट में 500 रुपए है, ठीक है, और एक पॉकेट में मैंने 100 रुपए डाल दिए और दूसरे से मैंने 10 रुपए निकाले, तो मुझे बताइए सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा? मतलब पॉकेट में जो बजट आपका पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर भी वही हुआ है, क्योंकि एक एप्पल गेन करा तो जितना सेटिस्फेक्शन लेवल आपका आया है, क्या एक बनाना से उतना ही सेक्रीफाइस हुआ हुआ एक बनाना सेक्रीफाइस करने से? नहीं। क्यों? क्योंकि एक एप्पल से सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिलता है और एक बनाना सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलता है। तो आप अगर यहां पर एक एप्पल गेन कर रहे हैं तो जितना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है
एक बनाना से आप उतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। एप्पल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बनाने की इंपॉर्टेंस कम है। तो सबसे पहले अगर मैं ये एक एप्पल गेन करके और सोच रहा हूँ कि एक बनाना मैं सेक्रीफाइस कर दूं और सोचूंगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। हाँ, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, मैंने बनाना जीरो बनाना सेक्रीफाइस नहीं करूं, अच्छा एक स्टूडेंट कहते हैं बनाना को जीरो कर दो, कंडीशन डाली थी रूल नंबर 1, आपको 2 कमोडिटी कंजम्पशन करना पड़ेगा, समझ में आया था ना, क्लियर है? तो यहां पर आपको बनाना को जीरो आप नहीं कर सकते। तो एक काम कर सकते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, यहां पर एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ये कह दूं आपसे कि एक एप्पल जो है एग्जाम्पल के लिए 100 यूटिल दे रहा है और एक बनाना आपको 20 यूटिल दे रहा है, आप बताओ, आप सोचो जरा, एक एप्पल आया तो 100 आया और एक बनाना 20 देता है, तो कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 5, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 10। समझे आई नहीं आपको? क्लियर है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक एप्पल को अगर हम गेन कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी समझ में आई कि जितना एप्पल हमने गेन करा उतना ही बनाना सेक्रीफाइस कर देने से सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एप्पल के और बनाना के जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो बात यहां आ जाती है कि एक एप्पल को हमने गेन करा तो इस सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए हमें बनाना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल की इंपॉर्टेंस बनाना से ज्यादा है। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप यहीं पे पूछ लो भैया डाउट, क्योंकि लास्ट में अगर आप पूछेंगे ना तो फिर वो आपको भी नहीं पता रहेगा कि आपके डाउट्स कहाँ थे और फिर आगे की चीजें भी आपकी खराब हो जाएंगी। कोई डाउट है? एप्पल नहीं, नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, पर मेरी बात समझिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, साधारण सी बात, इतना ज्यादा हमें इसमें सोचना विचारना नहीं है। सो की एक बात है कि आपको एक एप्पल और एक बनाना को कंपेयर करोगे तो क्या दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए अगर आप एक तरफ गेन करोगे तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, तभी सेटिस्फेक्शन लेवल पहले जितना सेम रहेगा। अब आप जितना गेन करोगे सेक्रीफाइस उससे ज्यादा करोगे या उससे कम करोगे या उतना ही करोगे? सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए जितना गेन करा उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे या उससे कम या उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? उतना ही करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि एक एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है और जो एक बनाना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है दोनों सेम है या अलग है? तो एक एप्पल से जितना मिला बनाना से ज्यादा, एप्पल से ज्यादा मिल रहा है तो एक एप्पल से जितना मिला उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिले सेम रहेगा। तो इसलिए मुझे बनाना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? इसलिए यहां पर मैंने एक एप्पल के बदले में एक बनाना सेक्रीफाइस, ठीक है, नहीं किया, बनाना मैंने एक से ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। क्लियर है जी? अब चलिए मैं फिर से बात करता हूं कॉम्बिनेशन 3 की, सी की। आप एक और एप्पल गेन करते हैं तो अब आपके पास में कितने एप्पल हो गए? एक और एप्पल गेन करा, अब आपको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखने के लिए इसको सेम रखोगे या इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कितने सेक्रीफाइस करोगे? बिल्कुल आप कह रहे हो 5, ये भी गलत है। क्यों? आप बताओ। सही है, अच्छे 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 आपके गलतियां कर रहे हो, इससे अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएंगे और बहुत सारे सवाल जो भी आगे आपको थ्योरी में रट्टा मारना पड़ेगा ना वो नहीं मारना पड़ेगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो जो आप आंसर कर रहे हो ना बहुत अच्छे अच्छे मुझे मिल रहे हैं, आपकी गलतियां अच्छी अच्छी मिल रही हैं। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं जी? जी एक एप्पल गेन करा, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि सर एक बात समझ में आ गई हमें, सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है तो अगर हम एक कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सर हमें यह भी क्लियर हो गया कि हम जैसे एप्पल का अगर हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हमें बनाना भी उतना ही सेक्रीफाइस कर देने से सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है बनाना के कंपेटेबली, इसलिए उसको, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम रखना है तो जितना हमने गेन करा उतना ही हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और एप्पल तो हमें ज्यादा दे रहा है तो एक बनाना तो उतना सेक्रीफाइस कर नहीं पाएगा, तो हमें ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस करेंगे तब एप्पल के बराबर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होगा दूसरी तरफ और हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल अभी भी सेम रहेगा कॉम्बिनेशन बी में। तो ये बात समझ में आ गई, जहां से एक बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है क्या कि सर एक एप्पल के बदले में 5 बनाना सेक्रीफाइस करना है। तो मैंने कॉम्बिनेशन 3 लिया, सी कॉम्बिनेशन लिया मैंने, और कॉम्बिनेशन सी में क्या हुआ,
एक एप्पल मैंने यहां पर गेन करा, तो अब आप कह रहे हो सर अभी भी पांच बनाना सैक्रिफाइस कर दो, अब आप पांच हो जाएंगे इसके पास में, पांच रह जाएंगे। मैंने बोला क्यों भाई, पांच क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? कह रहा सर आपने तो अभी इससे पहले कॉम्बिनेशन टू बी में बताया था कि एक एप्पल को अगर आप गेन करोगे तो बनाना उससे कम सेटिस्फेक्शन लेवल देता है, तो उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सैक्रिफाइस करने के लिए ज्यादा बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको पांच बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और यहां पर आपने फिर से एक एप्पल गेन करा तो फिर से आप पांच बनाना सैक्रिफाइस कर दो। अरे भैया भूल गए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगला एप्पल क्या आपको पिछला जितना मजा देगा पहले से? तो भैया जब आपके पास में आप गया पहले से, पहले आया पहले से कम, तो जाएगा पहले जितना, तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? अब वही वाली बात होगी, 500 रुपए है मेरे पास में, एक जेब में 100 रुपए आएंगे, दूसरी जेब से मैं 100 रुपए ही निकालूंगा, है ना। और अगली बार मेरे जेब में 80 रुपए आए तो दूसरी जेब से मैं 80 रुपए निकालूंगा, ताकि मेरा बजट सेम रहे। तो जब मुझे अब एप्पल क्या पहले जितना सेटिस्फेक्शन लेवल देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास्यमान नियम के कारण। जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाएंगे, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लग जाती है। मतलब जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, हर नेक्स्ट यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें पहले के कंपेटिवली कम मिलता है। तो अब मुझे एप्पल पहले जितना सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों पहले जितना सेक्रीफाइस कर दूं? तो अब मैं सेक्रीफाइस क्या करूंगा? पहले से कम करूंगा। इसलिए भैया आप जो पांच कह रहे थे भैया पहले भी पांच कर रहे थे, अभी भी कर दो। जब मेरे पास आया पहले से कम तो जाएगा भी पहले से कम, तो अब मैं पांच सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं चार करूंगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो अब मैं यहां पर कर रहा हूं कितना, चार करा तब छह बचा। भैया बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? यहां तक कोई डाउट है तो भैया पूछो। शरेश मिश्रा पूछ रहे हैं ये सेकंड में भी बिल्कुल लगे, मैंने सेकंड से इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करा है, सेकंड से ही मैंने करना स्टार्ट करा है। क्लियर है ना कि सेकंड में मेरे पास में इतना मिला तो अब उससे नेक्स्ट कम होगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मुझे एक यूनिट तो आगे जाना ही पड़ेगा ना, यहाँ तो कोई कंपेरिजन ही नहीं हो पाएगा मुझे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ अप्लाई होती है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं हम यहाँ पर चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। अभी मैं ऑडियो में अभी आपसे पूछूंगा जो जो मैंने बताया है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आंसर आप करना जैसे भी आपको आता है ऑडियो के थ्रू, आंसर करना, हैंड रेज करना जो आंसर करेंगे। अब मैं देखता हूं आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिएगा डी में चलिए एक एप्पल और गेन करते हैं, आप बताओ क्या उतना ही बनाना सेक्रीफाइस करोगे? कितना सेक्रीफाइस करना चाहोगे आप? पहले कितना सेक्रीफाइस करा बताओ? पहले कंपेयर, अब पहले कितना सेक्रीफाइस करा यहां पर आपने? पांच करा सेक्रीफाइस। अब यहां कितना करा? चार करा सेक्रीफाइस। यहां कितना सेक्रीफाइस करा आपने? चार करा। अब कितना सेक्रीफाइस करोगे आप? अब तीन करोगे। क्यों भैया? पहले यहां पर आप एक एप्पल के लिए चार कर रहे थे, अब आप एक एप्पल के लिए तीन सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? पहले एक एप्पल गेन करा था तो आपने चार सेक्रीफाइस कर दिए, अब एक एप्पल गेन कर रहे हो तो आप तीन के लिए रेडी क्यों हो? एप्पल तो वही है ना आपके पास में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगले यूनिट से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पिछले से कम होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट एप्पल पीछे से कम मजा देगा, तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए आपको पहले जितना सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं है, पहले से कम सेक्रीफाइस करने की नीड है। तो अब आप सेक्रीफाइस कितना करोगे यहां पर? अब तीन करोगे तो कितना जाएगा? तीन। अब ई कॉम्बिनेशन पर अगर आपने एक और एप्पल गेन करा तो कितना सेक्रीफाइस करोगे आप? दो। तो कितना हो जाएगा? एक। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो जनरली बच्चा क्या सोचता है अभी तक कि सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर हमें सेम रखना है तो अगर हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन इसके अंदर की बात भी आपको समझनी होगी। क्या कि सेटिस्फेक्शन लेवल सिर्फ ऐसे सेम नहीं रहता है? अगर आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइजिंग जो है सेक्रीफाइस वो डिमिनिशिंग रेट से करना पड़ेगा। समझे मेरा क्या कहने का मतलब है? चलिए अब मुझे बताएंगे एक के लिए कितना सेक्रीफाइस करा यहां पर? पांच। एक के लिए कितना सेक्रीफाइस करा? एक के लिए कितना करा? एक के लिए कितना करा? ये समझ में आपको आया? क्लियर है ना? क्लियर है जी?
तो आप बताइए सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हैं कांस्टेंट कर रहे हैं सेम रेट या फिर डिमिनिशिंग रेट, इसे क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रेट से सेक्रीफाइस करना, हर नेक्स्ट टाइम पहले से कम सेक्रीफाइस करना, इसे डिमिनिशिंग रेट कहते हैं। हर बार पांच 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 ही होता तो इसे कॉन्स्टेंट रेट कहते हैं, पांच छह सात आठ नौ ऐसे बढ़ता चला जाता तो इसे इंक्रीजिंग रेट कहते हैं। तो आप बताइए सेक्रीफाइसिंग किस रेट से होता है, डिमिनिशिंग रेट से। मेरी बात समझे, क्या कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस होता पांच पांच हर बार तो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है अगर आपको, और सेक्रीफाइस पहले जितना ही अगर आप कर बैठेंगे तो आपको जो है उससे नुकसान ही हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम हो जाएगा। जबकि चैप्टर का नाम है इंडिफरेंस रखना है, किस चीज को, सेटिस्फेक्शन लेवल को समान बनाए रखना है, संतुष्टि के स्तर को। तो संतुष्टि के स्तर समान बनाए रखने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेवल को इनडिफरेंस रखने के लिए, अगर आप एक कमोडिटी कंजम्पशन आप गेन कर रहे हैं तो दूसरे कंजम्पशन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। वो भी सिर्फ डिक्रीज करने से बात नहीं बनेगी, डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो आप रेट देख रहे हैं ना, इस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है भैया, समझे, कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, तो आपको ये बात क्लियर हुई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। एक कमोडिटी को जब हम गेन करते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए दूसरी कम्युनिटी को जिस रेट से हम सेक्रीफाइस करते हैं उस सेक्रीफाइसिंग रेट को हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एमआरएस कहते हैं। समझे इस चीज को, क्लियर है, कोई डाउट आपको। तो अब आपको यहां पर ये सारी कहानी समझ में आई, क्लियर है। तो पहला मेरा सवाल है, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, समान रहना, एक जैसा रहना, इक्वल रहना। किस चीज के इक्वल रहने की बात कर रहा हूं, सेटिस्फेक्शन लेवल के इक्वल रहने की बात कर रहा हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि दो कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, कंपलसरी कंडीशन है, क्लियर है। और क्या दोनों की इंपॉर्टेंस आपके लिए इक्वल रहेगी या कम ज्यादा रहेगी, बताइए, ज्यादा किसकी सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगी, जो रेयर है जो कम है, और कम किसकी रहेगी, जो ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल का आपको सेम रखना है, तो अगर आप एक का गेन करेंगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए ये भी बिल्कुल ठीक है। आप बताइए अगर एक को आपने जितना गेन करा, जितनी उसकी क्वांटिटी गेन करी, क्या दूसरा उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होते हैं। जो आप गेन कर रहे हो उससे अगर ज्यादा मिला और एक अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो वो तो आपको कम सेक्रीफाइस होगा, तो उसको इक्वल करने के लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी उसकी आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। क्लियर है जी, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। क्या इस रेट को आगे भी फॉलो करेंगे या आगे रेट चेंज होगा, कैसा रेट होगा आगे, कॉन्स्टेंट रहेगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि हम जब आप आगे कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट से हमें सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन लेवल को इक्वल रखने के लिए जितना आएगा उतना ही हम सेक्रीफाइस करेंगे। पहले से कम सेटिस्फेक्शन लेवल आया तो पहले से कम सेक्रीफाइस करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर पहले से कम और हो गया तो फिर पहले से कम सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए मेरा सेक्रीफाइसिंग रेट क्या होता चला जाएगा, डिमिनिशिंग होता चला जाएगा। सभी सवालों के जवाब मिल गए, क्लियर है भैया, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, समझ में आया जी सबको, सभी सवालों के जवाब मिल गए। अब मैं बात करता हूं क्या है ये, इसको मैं अब जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। एग्जाम में आपको नंबर डाल करके प्लॉट करने की नीड नहीं है, पेपर लेंथ ही होता है, ध्यान रखना, क्लियर है। और उससे कोई मार्क्स भी नहीं कटते और ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं आपको, इसलिए फ्री हैंड डायग्राम बनाए। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि बिना स्केल के बनाए, फ्री हैंड का मतलब है कि नंबर्स को प्लॉट करने की नीड नहीं है, समझे। फिर भी अगर आप नंबर प्लॉट करेंगे तो वो आपका वही सेम शेप देगा। मैं नंबर को प्लॉट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको इसकी कोई नीड नहीं है। एक यहीं पर चीजें समझेंगे एक साथ तो ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा, नहीं तो पेज आगे पीछे करने से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। हाँ जी देखिए, अब यहां पर मैं डायग्राम की बात करता हूं, तो एक तो सबसे पहले आप रिलेशन देखिएगा दोनों कम्युनिटी में क्या है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, तो रिलेशन इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। जब एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आता है दूसरे में उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आता है तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन है, तो कभी भी नेगेटिव रिलेशन होता है तो आपका जो ग्राफ बनता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा अगर एक बढ़ा रहे तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि डिमांड कर्व में आप देखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, अगर आप एक बढ़ाते हैं प्राइस तो क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है ना लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में। तो
इसलिए इसका डायग्राम तो कंफर्म हो गया, जो सर बनाने वाले हैं वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनाने वाले हैं, ये बात तो कंफर्म है। तो चलिए मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, समझिएगा जरा। ओरिजन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और एक तो मैं कह रहा हूं कि जी ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, क्लियर है। नीचे किस चीज को, ये आपका गुड्स वाई है और ये क्या है गुड्स एक्स की क्वांटिटी है। तो एक तो ये मैंने ऑप्शन दिया आपको इंडिफरेंस कर्व का, जिसमें कि आपको ये पता लग रहा है क्या कि मान लो अगर एक्स का आप एक कंजम्पशन कर रहे हैं तो वाई इतनी कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप एक्स को गेन करते हैं, एक एक्स गेन करते हैं तो वाई आपका सेक्रीफाइस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है। तो भैया अगर आप एक का कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरे कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा। चलिए फिर से मैं एक गेन करता हूं तो वाई क्या हो रहा है कम, एक्स को फिर मैं गेन करा वाई क्या हो रहा है। तो ऐसा देखो टेबल में मिल रहा था नहीं मिल रहा था कि अगर हम एक का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे कंजम्पशन क्या होगा कम होगा, ऐसा हो रहा था, इस बात को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक और डायग्राम देखते हैं हम यहां पर, ओरिजन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई गुड्स और एक्स गुड्स। चलिए ये बनाया मैंने आपको, इसे तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं कॉनकेव टू द ओरिजन, क्या कहते हैं कॉनकेव टू द ओरिजन। कॉनकेव का मतलब आप दो तरीके लेंस आपने पढ़े होंगे 10th में, इस लेंस को क्या बोलते हैं कॉनकेव, केव मतलब गुफा होता है जो अंदर की तरफ जा रहा हो, कॉनकेव, ठीक है ना। एक होता है हमारा कॉनवेक्स जो इस तरीके का होता है, जो उभरा हुआ होता है दोनों तरफ से, तो ये कौन सा लेंस हो गया कॉनवेक्स। तो यहां पर इसी से नाम पड़ा है इसका, क्या अगर आप ओरिजिन की तरफ देखें इसको तो ये अंदर धसा हुआ है, तो ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। तो यहां पर भी लेकिन आपको एक चीज देखोगे तो आपको फॉलो होते नजर आ रही है क्या, कि अगर आप ये एक्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वाई इतना, एक्स का अगर एक आप बढ़ाएंगे तो वाई क्या होगा कम, अगर एक्स के एक और यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो वाई क्या होगा कम, एक्स के एक और करेंगे तो वाई क्या होगा कम, एक्स के एक और कंजम्पशन करेंगे तो वाई क्या होगा कम, एक्स का एक और करेंगे तो वाई क्या होगा कम। ये देख रहे हैं आप, एक्स गेन करा वाई कम, एक्स उतना ही गेन करा वाई कम, एक्स गेन करा वाई आपका कम हुआ, डिक्रीज हुआ एक्स का। ये तो कहता है हमारा इंडिफरेंस कर्व कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है, तो अगर आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरे कमोडिटी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरे कमोडिटी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तो ये भी बता रहा है, ये तो ये भी बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं दोनों, तो कौन सा डायग्राम सही है। चलिए एक और डायग्राम बना देता हूं, ये बनाते हैं कुछ अलग कलर में, ये दीजिए, ठीक है जी, ओरिजन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो आप। हेंड्रेज मानसी, हाँ जी मानसी बोलिए, हाँ जी चलिए देखिएगा अगर डाउट है तो कॉल कीजिए, क्योंकि एक दो बच्चे पूछ रहे हैं। नेहा गुप्ता, हाँ जी नेहा जी पूछिए, आवाज तो है यहाँ पे, देख लेते अभी कंट वॉल्यूम का स्पीकर का है। चलो देखो जरा ये क्लियर है, तो एक और डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, एक हम ये बना रहे हैं, अगर आप पॉइंटों को प्लॉट भी करें, पॉइंट को अगर आप प्लॉट करते हैं उसके लिए मैं बात करूंगा, फिलहाल आप ये देखिएगा। एक तो मैंने यहां पर ये बनाया आपका आईसी, और एक मैंने यहां पर आपको आईसी कर्व ये बनाया है। यहां पर भी आप ये देखेंगे एक्स कमोडिटी है
और ये y है, यहां पर भी देखेंगे अगर आप x ये और ये y, ठीक है जी, क्लियर है। एक और x का कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो y ये रहा, एक और x का कंजम्पशन करेंगे तो y क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, है ना, क्लियर है जी। तो बताइए कि दोनों तीनों में आपको ये चीजें फॉलो हो रही हैं कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन आपका कम हो रहा है, और सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, क्लियर है जी। तो आप बताइए तीनों में से कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा, चलिए आप कह रहे तीसरा वाला, तो आप रीजन बताइए जैसे थर्ड वाला क्यों करेक्ट है डिफरेंस करके डायग्राम, वो तो आपने पहले कुछ देखा हुआ है सुना हुआ है तो आप बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, तीसरा वाला सही क्यों है, ये गलत क्यों हुआ, एक बात तो ये बिल्कुल इंडिफरेंस करके एक एक बात को तो सही तरीके से रख पा रहा है ये, क्या अगर हम एक का गेन इंक्रीज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखेंगे दूसरे का हमें कम करना पड़ेगा, इस बात को ये रख पा रहा है, लेकिन ये भूल गया कि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम सिर्फ डिक्रीज कर देने से नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए उसी हिसाब से डिक्रीज करना पड़ेगा जिस हिसाब से हम गेन कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि डिमिनिशिंग रेट से हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, तो ये तो कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है हर बार उतना ही हो रहा है, तो ये दूसरी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए कभी भी स्ट्रेट लाइन आपका नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन ये उस केस में बनता जबकि हमारा एमआरएस कॉन्स्टेंट होता, सेक्रीफाइसिंग रेट कॉन्स्टेंट होता, तब ये बिल्कुल सही डायग्राम था आपका, मेरी बात समझे, क्लियर है। चलिए ये क्यों नहीं बना कॉनकेव टू द ओरिजन, क्योंकि हर बार सेक्रीफाइस क्या हो रहा है पीछे से ज्यादा, ये तो उल्टी ही बात कर रहा है, हम क्या पहले से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं बनाना, नहीं ना, एक बात तो सही ये कह रहा है कि अगर हम एक का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे कंजम्पशन क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ जी नहीं पूछिए नीचे, साउंड तो आ रही है स्पीकर से, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है सर। हाँ जी, मुझे ना मेरे ना 20th अक्टूबर को ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंटरनल टेस्ट है कॉलेज में। किस चीज का पीडीएफ आपको चाहिए? सर 3 units चाहिए मुझे, लास्ट की 2, 3, 4। 2, 3, 4, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी अगर ऐसे डाउट्स है ना वो क्लासेस के एंड में आप बता दीजिएगा, आपका मैंने सुन लिया है उसको मैं देखता हूँ, और किसी और का अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी फिलहाल बात करेंगे, अब बाकी कोई इश्यूज हैं तो वो हम एंड में देखेंगे लास्ट के 5 मिनट में। टॉपिक से रिलेटेड किसी को है जी? अक्षय बताइए। हेलो, हाँ जी सर, एक बार ये बता देंगे एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि दोनों में ही सर एक ही बात बोली जा रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी इंडिफरेंस कर्व को फॉलो करता है और एमआरएस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को ही फॉलो करता है, तो क्या एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व दोनों सेम है? ठीक है जी, मैं सुन लिया आपके डाउट, उसको मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी मानसी, आप भी अपनी बात रखिए। चलिए देखिए जी, अब सामने देखिएगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे ने डाउट पूछा फिर उसको मैं रखता हूं आपके ऊपर। तो भैया पहला क्यों नहीं हुआ इंडिफरेंस कर, क्योंकि जो डिमिनिशिंग रेट है वो हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, जबकि इंडिफरेंस कर में ऐसा नहीं होता, डिमिनिशिंग रेट क्या होता है हमारा डिमिनिशिंग होता है, यहां पर हमारा डिक्रीजिंग रेट सेक्रीफाइसिंग रेट क्या है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट हमारा पहले से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास में ये इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूं वो पहले से क्या कर रहा हूं पहले से मैं कम कर रहा हूं, जबकि इंडिफरेंस कर्व में ये कहा गया है मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम करने के लिए जरूरी है कि अगर आप एक कमोडिटी कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर आपको मेंटेन रखना है सेम रखना है तो दूसरे को तो आपको वहां पर डिक्रीज करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर वन। लेकिन सिर्फ डिक्रीज कर देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपने जितना गेन करा ठीक एग्जैक्टली उतना ही सेक्रीफाइस करो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कंजम्पशन कंटिन्यू करोगे तो आपका बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी
आपका नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट एप्पल से सर्टिफिकेशन नंबर पहले कंपेटेबली कम मिलेगा, इसलिए सर्टिफिकेशन नंबर को सेम रखने के लिए आपको सैक्रीफाइस भी उतना ही करना पड़ेगा जितना आपने इस बार गेन किया। जब आपने इस बार पहले से कम गेन किया तो आपको सैक्रीफाइस भी पहले से कम करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है बनाना कि वो उतनी यूनिट को आप सैक्रीफाइस नहीं करोगे, उससे कम यूनिट को सैक्रीफाइस करोगे, इसे हम बोलते हैं कि सैक्रीफाइसिंग रेट। तो जो सैक्रीफाइसिंग रेट होता है ना, इसको एमआरएस बोलते हैं। क्लियर है, समझे? जो सैक्रीफाइसिंग रेट को हम बोलते हैं एमआरएस, सैक्रीफाइसिंग रेट को इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलते हैं। क्लियर है? तो अब बताइए अब कौन सा डायग्राम सही है आपका, ये बताओ। तीसरा वाला डायग्राम, क्योंकि दोनों बातों को सही तरीके से रख पा रहा है। तो थर्ड डायग्राम सही है आपका, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तो पूछे। अब बताइए मुझे एक बात और कि भैया स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व किस केस में होगा, किस केस में पॉसिबल था स्ट्रेट लाइन हो? जब एमआरएस कॉन्स्टेंट हो। चलिए कॉन्केव टू द ओरिजिन किस केस में पॉसिबल होता? जब एमआरएस सैक्रीफाइसिंग रेट इंक्रीजिंग होता। बट एक्चुअल में होता क्या है, सैक्रीफाइसिंग रेट डिक्रीजिंग होता है ना, तो इस डिक्रीजिंग होता तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है या नहीं है? तो बताइए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्यों होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है, सवाल है ये, प्रॉपर्टी मैं पढ़ोगे भी आगे। ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है, कॉनकेव क्यों नहीं होता, ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। समझे? क्लियर है? तो आपने इसको सेलेक्ट क्यों करा, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको, सैक्रीफाइसिंग रेट क्या दिख रहा है आपको, डिमिनिशिंग दिख रहा है, तो इसके कॉन्वेक्स होने के पीछे क्या रीजन है, डिमिनिशिंग एमआरएस। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। अब सवाल मेरा है कि एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरा सवाल अब यह है आपके सामने कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, इस तरीके से क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, यही क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस डिक्रीज को यही रिप्रेजेंट करता है। और एमआरएस डिक्रीजिंग क्यों होता है, कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रहता भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। इस बात को समझ पाए आप? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए। यहां तक चीजें क्लियर है आपको? तो यहां पर अगर आप देखें, अगर आप पॉइंट्स को भी प्लॉट करें, अब एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो मैं वो बात करता हूं यहां पर। सबसे पहले आप यहां पर ये मान लीजिए कि आपको एक सेटिस्फेक्शन नंबर मिल रहा है, पहले देख लो यहां पर एक सेटिस्फेक्शन नंबर मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आप जो है एक्स की इतनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, यहां पर आप एक्स की इतनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं और वाई की आप इतनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। लेकिन जैसे ही आपने एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया तो दूसरे का क्या हुआ, कम हो गया। अब आप यहां पर आ गए हो, यहां पर आ गए हो ना आप इस पॉइंट पर, तो आप बताओ जो इससे सेटिस्फेक्शन नंबर मिल रहा था और जो इससे मिल रहा था, दोनों डिफरेंट होगा या दोनों इक्वली होगा? इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। ओरिजन वाई एक्स, यहां पर रखते हैं एप्पल एक्स कमोडिटी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहां पर रखते हैं बनाना। बनाना क्या है हमारे पास, 15 है ना, तो दो दो में रखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है बताइए, एक्स एक है, एप्पल एक है, बनाना 15 है, तो 1 पर 15, ठीक है ना, 1 एप्पल प्लस 15 बनाना, कुछ एक सर्टिफिकेशन एप्पल मिलेगा, मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या हुआ, अगर एप्पल हमारे पास 2 है तो बनाना हमारे पास 10 आया, एप्पल 2, 10, ठीक है, तो एप्पल 2 है और बनाना 10 है, क्या कुछ सर्टिफिकेशन एप्पल मिलेगा, बताओ, मिलेगा ना? दोनों बताओ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये ए था, ये कॉम्बिनेशन बी है, दोनों पर सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर सोच रहे हो कि सर एप्पल तो आपने यहां बढ़ा दिया है तो कोई बात नहीं, बनाना तो कम किया है, और जिस हिसाब से एप्पल से मुझे ज्यादा मिल रहा है उस हिसाब से मैंने बनाना भी तो कम करा है, तो सर्टिफिकेशन एप्पल दोनों पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर 3 एप्पल और बनाना कितने हुए हमारे पास में, 6, तो 3 पर 6, ठीक है जी, और फिर 4 पर कितना हुआ हमारे पास में, 3, तो इस तरीके से पॉइंटों को क्या करोगे, प्लॉट करोगे तो ये नीचे आकर के कर्व हो जाएगा।
क्लियर है? तो जो आपको कॉम्बिनेशन ए पर सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है और जो आपको बी पर मिल रहा है, सी पर मैं मानता हूं कि आपका एप्पल बढ़ेगा पर आपका बनाना भी तो कम होगा, और जिस हिसाब से आपका एप्पल से गेन हुआ उस हिसाब से आप बनाना से सैक्रिफाइस भी तो कर रहे हैं, तो बताइए कॉम्बिनेशन ए से जो सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है और जो कॉम्बिनेशन बी से सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है और जो कॉम्बिनेशन सी से सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है या जो डी और ई से आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन लेवल, वो सारे डिफरेंट होंगे या सारे सेम होंगे? सारे सेम होंगे। तो ये क्या है, ये एक कर्व है या नहीं है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इंडिफरेंस कर्व शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। समझे? क्लियर है? तो एक स्टूडेंट पूछा था सर इंडिफरेंस कर्व और एमआरएस में क्या डिफरेंस है। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, ये एक डायग्राम है जो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल को दे रहे हैं। और एमआरएस होता है कि एक को गेन करने के लिए दूसरा कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेट को हम एमआरएस बोलते हैं। मेरी बात समझे? मेरा सवाल यह है कि इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है या स्ट्रेट लाइन होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्यों होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। और एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? चलिए अगर मैं इंडिफरेंस कर्व को ये कर दूं, ऐसे बना दूं इंडिफरेंस कर्व, क्या ये सही है? बताओ सही है? हाँ बिल्कुल करेक्ट पकड़ा। यहां पर अगर आप आ गए तो आपके पास में वाई का तो कंजम्पशन है बट एक्स का कितना है, जबकि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दो कम्युनिटी कंजम्पशन करता है। तो वाई को टच करने का मतलब हो गया एक्स कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, या तो एक्स को टच करने का मतलब हो गया वाई कंज्यूम। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि क्योंकि कंज्यूमर यहां पर दो कम्युनिटी का कंजम्पशन कर रहा है। समझे या नहीं समझे भैया? तो अब आगे, अभी आपका बेस समझ में आ गया, कुछ बातें समझ में आ गई, कुछ चीजें चर्चा में लेकर आ गए, तो आगे हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, लेकिन डिटेल में जाकर के समझना जरूरी है हमें, जो सब कुछ रट्टा रट्टा हो जाएगा। ये चैप्टर भी ऐसा है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका बेस बच्चे का बनने में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, और आप लोगों ने शायद पहले अगर थोड़ा बहुत किया होगा तो आपको प्रॉब्लम दिया है क्या ये। अब कुछ क्वेश्चन वैसे ही पढ़ेंगे हम। अब देखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं, आपको फिलहाल बेसिक्स में सवाल आपके सामने कुछ ऐसे आएंगे कि एमआरएस क्या है, क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे व्हाई एमआरएस डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वही सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एमआरएस हमारा क्यों होता है, और प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है। तो यही सब चीजें हमें अब आगे पढ़ने को मिलेगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये नई चीजें जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल। तो सारी चीजें हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। शुभम हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी शुभम पूछिए। हाँ शुभम बोलिए। सर ये कह रहा था कि जो आपने अभी ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाने के लिए जो आपने नंबर्स लिए थे, हमें पता कैसे चल रहा है कि बनाना का हमने उतना ही डिक्रीज करना है और एप्पल का हमने बढ़ाया है तो हम बनाना का उतना ही डिक्रीज करना है, जो आपने अभी स्लाइड खोली थी वो बताओ। एक ये मेरे से क्वेश्चन शुभम का है। शुभम ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। शुभम ने कहा है कि सर आपने एक एप्पल गेन करा, आपने पहले स्टार्टिंग में एक एप्पल और 15 बनाना रखा है, उसके बाद आपने एक एप्पल गेन करा तो आपने यहां पर 5 बनाना सैक्रिफाइस कर दिया, फिर आपने एक एप्पल और गेन करा तो यहां पर आपने 4 बनाना सैक्रिफाइस कर दिया। तो शुभम का क्वेश्चन ये कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कितना सैक्रिफाइस करना है। शुभम का ये कहना है कि सर हमारा ऐसा दिल कर रहा था कि एक एप्पल हम गेन कर रहे हैं तो हम जो है 4 बनाना सैक्रिफाइस करें। शुभम आप ऐसा कर सकते हो, बस आपको ये बताना है, यहां पर हमें ये समझाना है, ये एक्सप्रेस करना है कि एक एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है एक बनाना से उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। उसको इक्वल रखने के लिए, हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए हमें एक एप्पल से ज्यादा बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप इसको 4 बनाना सैक्रिफाइस कर दो, सिर्फ यहां पर यह मैसेज देना है कि भैया एक एप्पल एक बनाने की बराबरी नहीं है। और आगे भी आप अगर करते हैं तो अब आगे आप 4 मत कीजिएगा, आगे आप 4 से कम सैक्रिफाइस कीजिएगा, यह मैसेज देने के लिए कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे एप्पल उतना गेन नहीं देगा तो मैं उतना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूं, उससे कम मैं सैक्रिफाइस करूंगा। तो ये एक जो है इमेजिनरी टेबल है जो कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होता है कंज्यूमर के साथ में। सबसे पहले कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को तो न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस
कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को समझाने के लिए अजम्पशन लिया गया है, समझाने के पर्पज से अजम्पशन लेकर के चीजों को क्लियर करने की कोशिश की गई है। अगर मैं टेबल नहीं लेता, वर्बली बोलता रहता, तो शायद आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? ओके सर। और सर, ये जो इंडिफरेंस वाला आपने कर्व बनाया, कन्वेक्स करके जो बनाया आपने, जो इंडिफरेंस की लाइन है, इंडिफरेंस की लाइन है, ये हमें एमआरएस दिखा रही है। ये इस एमआरएस जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेट जो है, जी, तो इस तरीके का बनेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व का। तो ये जो आपने लाइन बनाई है कर्व की, तो ये एमआरएस दिखा रही है, फिर क्या दिखा रही है? ये आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है। ये एक ऐसा, इसको बोलते हैं हम कर्व, ठीक है? और ये एक ऐसा कर्व है जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इंडिफरेंस है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व हो गया, जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इंडिफरेंस है, ठीक है? और आप एमआरएस की बात कर रहे हैं, तो अब मैं यहां पर एक एक्स गेन करता हूं, तो वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इतना सेक्रीफाइस करा मैंने, करा नहीं इतना, तो जो सेक्रीफाइस जितना आप कर रहे हो उसको हम एमआरएस बोलते हैं। ये जो आप वाई जो डाउन हो रहा है, इसको हम एमआरएस बोलेंगे, ठीक है? अब किसी और के कोई डाउट? मानसी जी काफी टाइम से वेट पे हैं, चलिए। हाँ मानसी बोलिए। सर, एमआरएस कैलकुलेट कैसे करते हैं? एमआरएस कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग रेट है, जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी को हम एमआरएस बोलते हैं। सर, वो रेट पता कैसे चलेगा फिर? हाँ जी, रेट पता कैसे चलेगा कि इतना ही कम हुआ है? जैसे आपने 10 और 6, तो पता कैसे लगा कि 4 ही डिक्रीज हुआ है? नहीं, आपको ये कोई लर्न करने की इतनी नीड भी नहीं है। लर्न करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करना तो मत करो। बस आपको कुछ तो डिक्रीज करोगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेम रखना है। तो अगर आप एक को गेन करे तो डिक्रीज तो करोगे करोगे, तो जो डिक्रीज जितना भी किया उसको हम एमआरएस बोल देते हैं। नहीं सर, मुझे ये समझना है, ऐसे एक एप्पल है और 80 बनाना है। एक सेकेंड, एप्पल बनाना है, एक एप्पल और 18 बनाना है। 18 बनाना, अब हमने एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, 2 कर दिया। हाँ, तो आपकी मर्जी है। अब बोलिए पर कितना करेंगे सर फिर? अब ये आपकी मर्जी, आपको तो इसको डिक्रीज करके दिखाना है ना। कितना भी कर सकते हैं डिक्रीज? कितना भी कर दीजिए, 6 कर दीजिए, लीजिए 12 हो गया। बस आपको ये बताना है कि जितना एक एप्पल गेन करेगा उतना बनाना आपको सैक्रिफाइस करके नहीं देगा, इसलिए ज्यादा बनाना हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने सैक्रिफाइस करा 6, इसी को हम बोलते हैं एमआरएस। ओके सर, बट ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर आप एक एप्पल और गेन करते हो तो आप 6 मत करना सैक्रिफाइस, पहले से कम करना, 5 कर देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप मुझे उतना गेन नहीं मिलेगा नेक्स्ट एप्पल से, तो मैं उतना सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, पहले से कम करूंगा। इसलिए कहते हैं एमआरएस हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ जी, नेहा जी बोलिए। लास्ट इंक्वायरी ले रहा हूँ, अगली क्लास वेट कर रही है, इसलिए नेहा बोलिए। सर, मेरा तो नोट्स का ही है, मुझे नोट्स चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, नोट्स आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में? सर, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में, जो अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले। हाँ सर, ठीक है। एक बार है ना, आपको जो नोट्स चाहिए, टीम का आपके पास नंबर है काजल का, जिनसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, काजल जो है आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और सबके पास में है नंबर जिससे आप कांटेक्ट कर सको, कोई डाउट हो, कुछ चाहिए तो आप पूछ सको। हाउ टू डाउट क्लास में जाइएगा, वहां पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो जो भी कोई बात रखनी हो ना आपको, इस तरीके की बातें कोई भी जो कि हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, तो आप टीम तक पहुंचाएंगे, टीम मुझे दे देंगे वो चीजें, तो वो आपको रिजॉल्व हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है? ओके सर।